Let's see this question. In this question, we have given z1, z2 are the roots of this equation. देखो इस equation के root हैं a z square plus b z plus c equals to 0. इसके root z1, z2 है. And we have also given imaginary part of z1, z2 is not equals to 0. Implies, अगर imaginary part z1, z2 का मिला के अगर 0 नहीं है, मतलब z1 is Z1, Z2 ऐसे लिख देता हूँ, Z1, Z2 आर नॉट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. Z1, Z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है. अगर Z1, Z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है तो देखो ये जो कोएफिशिएंट होंगे ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, ये कोएफिशिएंट रियल नहीं आएंगे. ये कोएफिशिएंट क्या नहीं आएंगे, रियल नहीं आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अगर कोएफिशिएंट रियल होते हैं तो जो उसके रूट्स आते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट की फॉर्म में आते हैं. और यहाँ पर जो जेड वन जेड टू है एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं आ रहे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं आ रहे, मतलब दिस इम्प्लाइज ए बी सी नॉट ऑल belongs to real number. सारे के सारे real number को belong नहीं करेंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं at least one of a b c is imaginary. तो यहां पर अपने को option दिखी गया, at least one of a b c is imaginary. option c is the correct answer. देखो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स थे वो अपने पास इमेजनरी थे और एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं थे. एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं थे मतलब ये पक्की बात है उस क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट सारे के सारे रियल नहीं हो सकते, उनमें से एटलीस्ट एक तो इमेजनरी होना पड़ेगा.